नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। क्वारंटाइन सेंटर की एम्बुलेंस से गायब कोरोना संदिग्ध रंजित टुडे की गुत्थी सुलझने के बजाय और भी उलझती जा रही है। जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर ने इस मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना संदिग्ध के गायब हो जाने और एक माह तक उसका कोई सुराग तक नहीं लगने के बाद जिलाधिकारी द्वारा जांच के आदेश जारी होने के बाद जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, क्वारंटाइन सेंटर और चिकित्सकों में हड़कंप मच गया है। 23 अप्रैल को रंजित टुडे क्वारंटाइन सेंटर की एम्बुलेंस से हायर सेंटर ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में जाते समय अचानक गायब हो गया था। एक माह तक भी उसका कोई सुराग नहीं लगा है, जबकि उसका साथी क्वारंटाइन सेंटर से ठीक होकर अपने घर पहुंच गया है। 19 अप्रैल को रंजित टुडे ग्रेटर नोएडा के क्वारंटाइन सेंटर में अपने एक साथी के साथ भर्ती हुआ था। हालत बिगड़ने पर रात को ही ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था। उसके बाद शारदा हॉस्पिटल में 23 अप्रैल को उसे क्वारंटाइन सेंटर से भेजा गया था। रंजित क्वारंटाइन सेंटर से हायर सेंटर के लिए रवाना हुआ, लेकिन वह हायर सेंटर नहीं पहुंचा। कहां गया, उसकी रिपोर्ट नहीं आई। आज तक उसका कोई पता भी नहीं लगा है। धनकौर कोतवाली पुलिस में क्वारंटाइन सेंटर के इंचार्ज की ओर से 20 मई को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। धनकौर पुलिस एक माह से गायब कोरोना संदिग्ध रंजित टुडे की सरगर्मी से तलाश कर रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अपने स्तर से गायब रंजित टुडे की तलाश में जुटी हुई है। वीडियो में आप देख रहे हैं, यह रंजित टुडे है। झारखंड के देवघर जिला निवासी रंजित टुडे अपने साथी राजकुमार के साथ ग्रेटर नोएडा के क्वारंटाइन सेंटर में 19 अप्रैल को भर्ती कराया गया था। एक माह से गायब कोरोना संदिग्ध की गुमशुदगी स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। आइए सुने क्या कहते हैं जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर। उनको एक व्यक्ति थे जिनको रेफर किया गया, जो एम्बुलेंस से जहां जाना था वहां ना जाकर वो प्रथम दृष्टिया जो सूचना मिली है कि वो वहां से गायब हुए हैं। जैसे सूचना कल जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके संज्ञान में लाया गया, तत्काल उस प्रकरण में FIR लॉन्च करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ इसमें किसकी लापरवाही से अथवा क्या कारण से ऐसे हुआ, इसके लिए जांच करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया है, जो क्वारंटीन की इंचार्ज भी हैं। संबंधित जो क्वारंटीन के जो भी डॉक्टर है, इंचार्ज है, उनसे भी तथ्यों को पता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी जो CDO है उनके द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाए। मुख्य विकास अधिकारी को कहा गया है कि क्वारंटीन सेंटर से पता कर ले कि वो कहाँ रेफ़र किया गया, वो कहाँ गए, क्या है इसकी डिटेल्स। काफ़ी हद तक प्रिलिमिनरी तथ्य तो जो वहाँ के क्वारंटाइन इंचार्ज के डॉक्टर ने उन्होंने दिया है, परंतु जांच हो जाए और FIR करते हुए पुलिस को ये अनुरोध भी किया गया तत्काल ट्रेसिंग करते हुए वो जहाँ भी होंगे उनको पता करते हुए। पुलिस में गायब रंजित की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने और जिलाधिकारी के आदेश के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम रंजित को तलाश कर रही है। कोरोना संदिग्ध के गायब होने की खबर सबसे पहले रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल ने दिखाई थी। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। कृपया इस मामले में अपडेट के लिए बने रहें रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और देखते रहें रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ।